नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश तेजी से बढ़ता बेटी बचाओ चैनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू। हम लाइव इंटरव्यू में हर बार देश की बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं और आज ही हमारे साथ में राजनीति की बड़ी हस्ती जुड़ी हुई है। मोहम्मद फारूक हक राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी। असरुल हक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंटरव्यू में। धन्यवाद, नमस्कार केशव पंडित जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज स्थान दिया और लोगों के बीच रूबरू होने का मौका दिया आपके एटीवी चैनल न्यूज चैनल के माध्यम से। एटीवी न्यूज चैनल वालों का सभी का धन्यवाद करते हैं। राजनीति में राष्ट्रीय सेकुलर पार्टी जो आपकी है, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी, ये अलग क्या कर रही है वर्तमान में? आज के समय में तो पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, तो ऐसे समय में हमारी पार्टी जो है फूल बरसाने का, फूल बांटने का काम कर रही है। हम लोग ही आज गांधी जी के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो दावा तो करती है कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की सीची भी कांग्रेस थी, लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है? तो हम लोग कम से कम गांधी जी के विचारधारा को लोगों के बीच लेके जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सही गांधीवाद क्या है। सिर्फ पूर्वजों के किए गए कारनामे का बखान हम लोग नहीं कर रहे हैं, आज समय खुद के कारनामे करके दिखाने का समय, खुद के कार्य करने का समय है। तो ऐसे समय में हम लोग पब्लिक जनता के बीच गांधीवाद को परिचित करने का कार्य कर रहे हैं। आज के दौर में जहां कांग्रेस ने क्या सही किया क्या गलत किया वो तो पहले की बात है, लेकिन अभी वर्तमान दौर में देखा जाए तो बीजेपी हर जगह है और बीजेपी तो कह रही है कि मैं सब सही कर रही हूं। अभी जो 70 सालों में नहीं हुआ वो विकास की गंगा मेरे द्वारा बहाई जा रही है। आपकी आपको क्या कमी लग रही है कि बीजेपी वो काम नहीं कर पा रही जो आपको करना चाहिए? क्या उन्होंने नहीं किया? 370 तो हटा दी उन्होंने, तमाम ऐसे कोड ले आए, तमाम ऐसे बिल पास करवाए, अभी क्या ऐसी कमी रह गई है, किन चीजों को वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, उसके लिए हमारी पार्टी बेहतर कर सकती है या फिर हमारी जैसी विचारधारा के लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं? आज जो बीजेपी सरकार में है, आज बीजेपी सरकार में है क्यों, किसके कारण है? ये कांग्रेस और निकम्मे विपक्ष के कारण है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं था, जनता के लिए कुछ, उन लोगों के जनता के उद्देश्य नहीं थे। आज जो मुद्दे हैं, मुद्दे 370 या कोई तलाक का या CA NRC का बिल मुद्दा नहीं है, मुद्दा जनता के मुद्दे है। महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुका है, जनता तो तराई तराई कर रही है महंगाई से, तो मेन मुद्दा महंगाई का है। अभी काम जनता के बीच, जनता के फाइनेंशियल पे काम करने का समय था। अगर हम लोगों को सरकार में स्थान मिलता और हम लोग अगर भाजपा की जगह रहते तो इन सब गैर जरूरी मुद्दे को ना उठाकर जनता के जो जरूरी मुद्दे थे, जो बेसिक मुद्दे थे, हम लोग जनता के वो मुद्दे को उठाते और जनता के बीच जनता की समस्याओं को सुलझाते और जनता का कार्य करते हम जी। लेकिन हक साहब, सवाल ये भी है कि जहां आंदोलन से तमाम लोग निकले जी, उसी आंदोलन से हमारे केजरीवाल साहब भी आए। केजरीवाल साहब आज दिल्ली में क्या कैसे स्थान दिया जाए? नई पार्टी को जब भी कोई जगह मिलती है तो वो क्या स्थान बनाने में कामयाब हो पाती है, हो पाती है? नहीं, नई पार्टी जैसे हमारी भी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है वो नई नहीं है। हम वही गांधी जी के विचारधारा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देश और संविधान विचारधारा से चलता है, संविधान की अपनी एक विचारधारा है, संविधान के अपने अनुच्छेद है। तो आप
संविधान के एक माध्यम से चला सकते हैं ना, उठा पटक कोई भी कानून आप पास करा देंगे, आपके पास बहुसंख्यक है पार्लियामेंट में, आप बहुसंख्यक के रूप में है तो कोई भी कानून को आप ऐसे ही नहीं ला सकते हैं। कौन से कानून जनता के कितने फायदेमंद साबित होंगे इस चीज को आपको पहले से रिसर्च करके जनता के लिए देखना होगा कि जनता की क्या राय है। आपको जनता में सर्वे कराना चाहिए कोई भी कानून को लाने से पहले, क्या सरकार ने जनता के बीच कानून को सर्वे करवाया कोई भी कानून पास करवाने से पहले। अमित शाह कुछ भी आज बोल देते हैं तो ऐसे नहीं लेकिन चलता तमाम 70 सालों में भी तो कभी सर्वे नहीं करवाया गया। यही सरकार दौर की करें अगर ये वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का निकम्मापन है। आज यहाँ मंडल का मंडल आयोग को लागू करना था, आज दलितों का क्या मतलब किया स्थान है देश में, दलित किस तरह से रह रहे हैं और अल्पसंख्यकों का तो और बुरा हाल है, तो अल्पसंख्यकों को क्या सुविधा है। तो और मामला सिर्फ अल्पसंख्यक और दलित का नहीं है, हर समाज आज के समय में शोषित और पीड़ित और ठगा सा महसूस कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। अब देश को नए सिरे से आगे आना होगा, युवाओं को महिलाओं को सबको राजनीति में सही सम्मान और स्थान देके इन लोगों को खुद मतलब की एक नीति बना के जो देश हित में नीति हो उस नीति पे कार्य करना होगा। जाति की बात ना करके अच्छा मैं जहां दूसरी अन्य पार्टियों को भी देखता हूं, जाति की बात ना करके अगर हम बात ये करें कि देश का जो धन है वो कहाँ है, किन लोगों के पास है, तो वो कुछ ही लोगों के पास है जो सिमट के रह गया है, उसमें विपक्ष भी शामिल है और सत्ता पक्ष भी शामिल है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं ये प्रमाणित नहीं हो पाता है। जनता सब जानती है कि पैसा सभी के पास है, सब काला धन है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं हो पाता है। कोई प्रूफ नहीं है कि पैसा भाजपा वालों के पास कितना है, कांग्रेस वालों के पास कितना है। कांग्रेस वाले बोलते हैं भाजपा वाले के पास है, भाजपा वाले बोलते हैं कांग्रेस वालों के पास। तो गैर प्रमाणित। अभी असल जो मुद्दे हैं जनता के बीच, जो जनता को रोजगार चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेसिक नीड्स का मुद्दा जनता का है, तो उस मुद्दे को सरकार और विपक्ष को मिलकर शामिल करना चाहिए कि ना कि इसमें राजनीति हो। और जाति की बात तो जरूरी है, जाति तो आएगी ही आएगी क्योंकि जाति आधारित मुद्दे हैं, जाति आधारित मुद्दे हैं, जाति आधारित समस्याएं हैं और जाति आधारित सामाजिक मतलब कि दूरंदेशी हैं इन लोगों में, सामाजिक विभिन्नताएं हैं। तो जी मुझे लगता है कि आरक्षण क्या आज के दौर में खत्म होने की आवश्यकता है नहीं। आरक्षण को कुछ क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, अगर वहाँ 40% वाला अगर पढ़ाएगा और 90% वाला अगर छूट जाएगा तो शिक्षा का क्या हाल होगा, ये तो आप समझते हैं नहीं। और यही अगर चिकित्सा में भी लागू कर दिया जाए, मैं नहीं कहता हूँ कि आरक्षण को अभी पूरा हटाने की जरूरत है या नहीं है, आरक्षण हटा दीजिए, लेकिन क्यों हटाइए, उनको सुविधा भी तो मिलना चाहिए। आरक्षण क्यों है? क्योंकि उस जाति विशेष को सुविधा नहीं है, इसलिए आरक्षण। अगर सुविधा नहीं, उनका जीवन स्तर निम्न है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटी है किसका जीवन स्तर निम्न है? दलितों का निम्न है। आप अगर अल्पसंख्यकों का लेते हैं तो हम लोगों के पास कमीशन की रिपोर्ट है, रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, इन लोगों का जीवन स्तर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी निम्न स्तर का है। तो शिक्षा का जो स्तर है वो सुधारा जाए, ना कि किसी जातिवाद अगर बातचीत की जाए। मैं समझता हूं कि जहां लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे निकल के जा रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ये कह करके टाल देना कि नहीं तरीके से नहीं वैसे नहीं, और मुझे लगता है कि उनको मदरसों की बजाय या फिर सरकारी शिक्षा की बजाय सीबीएसई बोर्ड की तरफ धकेला जाए। मेहनत है, चीजें हैं, गवर्नमेंट से लड़ाई ये होनी चाहिए, लेकिन वो अगर अंग्रेजी शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, आज की आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, तो उनके अंदर विकास और चीजें समझ भी होगी। आज हम देखते हैं तमाम क्षेत्रों में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तमाम मुस्लिम हैं जो सीबीएसई बोर्ड को से पास होकर के आगे बढ़े हैं, सरकारी स्कूलों से भी निकले हैं। हालांकि दो चीजें, लेकिन तीसरी सबसे जो अहम बात है, हम ये कह लेते हैं कि नहीं हम ये क्षेत्र या फिर ये जाति आज पीछे है, तो वो लोग अपने कारणों से पीछे हैं। लेकिन आज अगर हम प्रतिभाओं की बात करें तो प्रतिभाओं में 90% लोग ऐसे हैं जिनके या तो पिता रिक्शा चलाते हैं या तो उनका पिता मेहनत मजदूरी करता है, और वो बच्चे आगे जो है आकर के कर ले रहे हैं। तो ये तो कहना एक बेमानी होगी कि किसी के पिता की वजह से नहीं बढ़ पाए, या तो उसके अंदर ही योग्यता नहीं है, या मुझे लगता है कि उनके पिता ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की, ये तो हम बोल ही सकते हैं। लेकिन 90% अगर प्रतिभाओं को देश में आप देखिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस के क्षेत्र में हो, या फिर तमाम जो प्रशासनिक पद हैं उन क्षेत्रों में भी आप देख लीजिए, वहां पर जो है गरीबों के बच्चे ही सबसे ज्यादा जाते हैं। प्रतिभा को तो कोई रोक नहीं सकता,
प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है, प्रतिभा हर जगह उभर के आती है और हर जगह अपना स्थान बनाती है। अब रहा बात बिल्कुल आधुनिकता का, तो संस्कृति को छोड़ के आधुनिकता है नहीं, ये हम जी लोगों का जो देश है, मुल्क है, ये कल्चर्ड मुल्क है और ट्रेडिशनल मुल्क है। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल और कल्चर क्या भाई उतना ही स्थान है जितना कि हम लोग आधुनिकता को अपना रहे हैं। आज भारत में जिस तरह से आधुनिकता को अपनाया जा रहा है, कई लोग इसको चिंताजनक बताते हैं, जिसमें बीजेपी आरएसएस के ही कुछ नमूने टाइप के नेता हैं जो कभी कुछ कुछ गलत बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन आधुनिकता देश की और विकास की जरूरत है। लेकिन संस्कृति को लेके पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम आधुनिकता में जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और शिक्षा जगत में जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, मदरसे में आधुनिक मॉडल को डालना चाहिए, जरूरी है, डालना चाहिए ये या सब तो चीज उसमें डालना चाहिए या फिर वो निकल करके बच्चे। हाँ हाँ वो जरूरी है, लेकिन आप बोलिएगा मदरसा ही बंद कर दे तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम करने संस्कृति को हर छोड़ नहीं चीज सकते। हर चीज बंद करना तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना, हर हाँ, चीज को बिल्कुल बंद बिल्कुल। करना जबकि उसमें उसमें हम कुछ डेवलप करें। अभी जैसे हमें त्रिपुरा में ले लीजिए, वहां पे जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का कोई भी बयान नहीं आया। माननीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या ये प्रायोजित ढंग से ये लोग खुद वहां पे मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे हैं, मस्जिदें को गिरवाया जा रहा है वहां या मुसलमानों को मरवाया जा रहा है, तो ये खास कम्युनिटी को टारगेट करके आखिर क्यों कर रहे हैं ये लोग, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार वहां सही कानून व्यवस्था लागू करके इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती है? निर्दोष बेकसूर निहत्थे मुसलमानों को वहां पे अल्पसंख्यक है उन लोगों को एक भीड़ के द्वारा, हिंदू कम्युनिटियों के द्वारा जानबूझ के मारा जा रहा है, मस्जिदें गिराई जा रही है, आखिर इस तरह क्यों हो रहा है घटना वहां पे? क्या इसमें सरकार की ये तो साजिश सब नहीं पूरे है? देश में है ना, ये तो आप देख पा रहे नहीं हैं कि नहीं पूरे देश में ऐसा हुआ है। अगर हम तो ये बातचीत त्रिपुरा करें, पे हम किसी भी घटना का इस नहीं, मुद्दे पे मैं माननीय किसी भी घटना प्रधानमंत्री का का एक समर्थन नहीं बयान कर नहीं रहा। आया, अमित शाह जी बिल्कुल का भी हर्ष एक साहब, बयान नहीं आया। हम बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात ये करें कि पिछला दौर और वर्तमान दौर दोनों पर बातचीत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, अभी एक हाल में आपने देखा क्रिकेट हुआ, क्रिकेट में पाकिस्तान जी जीता, जी काफी अरसे जी के जी बाद में उन्हें उपलब्धि मिली, ठीक है, अच्छा जी रहा, जी अच्छा खेला। इस जी जी बार शायद जी टीम इंडिया ने उनको हल्के में लेने की कोशिश की या ऐसा जी सोचा जी होगा, या फिर क्या हुआ वो एक युद्ध या फिर खेल के मैदान में, ये सुनिश्चित या निश्चित नहीं हम लोग कर सकते हैं कि किस तरीके से खेला गया। और हारा और जीता पर तो कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि वो वहां पर योद्धाओं और खिलाड़ियों पर तो हम कोई प्रश्न कर नहीं सकते। अगर कर रहे हैं तो हमें खुद उठा के बैटिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें मालूम भी, चल हाँ जाएगा उसमें भी कि हम एक एक, व्यक्ति विशेष को, मोहम्मद हाँ शमी को टारगेट किया गया, जबकि मोहम्मद शमी ने नहीं भारत के वो लिए मैच जिताया। मैं उसमें मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी किया वो या तो जानते नहीं है चीजों के बारे में या उन्हें मैच के बारे में, या फिर उनका काम ही ऐसे सेल के लोग हो सकते हैं, या फिर विशेष लोग जो अमित लोगों को कर रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे जिनको मालूम था समय के बारे में, उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा इस चीज को, हर चीज हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में हर्षोल्लास मनाए, चीजें मनाई। मैं ये समझता हूं कि इसमें यूएपीए ठोका गया, सारी चीजें की गई, बहुत अच्छा किया सरकार ने, करना भी चाहिए, अगर इस तरह से सरकार कोई को कार्य करना भी करते चाहिए। हैं, लेकिन सबसे सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या हमारे विद्यालयों में, जी मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। हेलो हाँ जी, आवाज ये हो गया। जी, हाँ अभी आपको आवाज आ रही है। मुझे लगता है जी कि जब हम किसी जी देश के साथ में खड़े होते हैं या किसी सिर्फ समुदाय या जाति के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विद्यालयों में या हमारे शिक्षा के स्तर में कहीं देश प्रेम की कमी तो नहीं है क्या? वो जो पहले पढ़ाया जाता था वो आज पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है, चीजें वो सिमट के रह गई हैं, उनको मालूम ही नहीं कि देश प्रेम क्या है। देश प्रेम न करना ही गद्दारी है। आप देश प्रेम को पहले, मुझे लगता है कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है, जहां हमें देश प्रेम पढ़ाया जाए कि देश सबसे पहले, उसके बाद में बाकी की चीजें हैं। आप वहां हैं तो आप करिए जा करके, लेकिन देश में हैं तो आपको सबसे पहले देश के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। देश हारता है तो देश के साथ में खड़े होइए, देश जीतता है तो देश के साथ में खड़े होइए। तो देश प्रेम की जो भावना है वो बचपन से ही आनी चाहिए ना, उनमें जो कमी है। आज 5 साल का बच्चा किसी आंदोलन में शामिल हो रहा है, उसको क्या मतलब है सरकार से उससे? 18 साल से पहले जब वोटर कार्ड नहीं बन सकता है, तो 18 साल से पहले का बच्चा किसी आंदोलन में अगर शामिल है, उसको इलीगल है, बिल्कुल अवैध है, और उसको रोकना चाहिए। उस बच्चे के अंदर क्या भर रहे हैं, आंदोलन से उसका क्या लेना देना है, उसको दूर रखना चाहिए। हम तो अपनी आम लड़ाइयों में अपने बच्चों को दूर रखते हैं, तो देश की बड़ी लड़ाइयों में उन बच्चों का क्या काम है? क्या हमें देखिए, उनको ये दूर रखने जो की जरूरत है या नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है, बच्चों को सही वातावरण में उनकी परवरिश करनी चाहिए। और जो जहां तक बात है मुद्दे है क्रिकेट में और एक समाज विशेष को बदनाम करने का, तो कई जगह पे मुसलमान नाम देख के लोगों को बदनाम भी किया जाता है कि ये पाकिस्तानी सपोर्टर है। इस बात के शिकार तो हम खुद कई जगह पे हो चुके हैं, अपने ही देश में अपने देशवासियों को इस अब तरह से कांग्रेस में तो इल्जाम तमाम हिंदू हैं, लगाना बात बात वो नहीं है, कांग्रेस में तमाम हिंदू हैं, और कांग्रेस में टोटल ही अगर हिंदू कहा जाए तो कोई उसमें बेमानी नहीं होगी। और वो हमेशा भगवा आतंकवाद किसी मुस्लिम ने नहीं कहा, सभी जानते हैं, दिग्विजय सिंह ने बोला, दिग्विजय नहीं, ये सिंह पक्षपात जी के लिए सिर्फ भाजपा जिम्मेदार नहीं है, हम इसके लिए जी कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं। बिल्कुल, मतलब आज जो जो बिहार में नीति हमारी सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी की, नीतीश जी कुमार जी भी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं कई जगह पे। जहां देखते हैं मुस्लिम वोटर जिस जिले में फायदा साबित करता है वहां मुस्लिम तुष्टीकरण अपनाते हैं, जहां देखते हैं जात के हिसाब से हमको फायदा है दूसरे जिलों में तो वहां कुर्मी नीति अपनाते हैं, तो नीतीश कुमार भी वही राजनीति कर रहे हैं। और अगर झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में जेएमएम की सरकार है हेमंत सोरेन जी, वहां हमारी पार्टी का संगठन का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो हेमंत सोरेन जी क्या किए हैं वहां रिजर्व सीट पे, वहां तो कई सीट रिजर्व है ना, लोकसभा में कोई सीट रिजर्व है, वहां एससी को उम्मीदवार लग सकता है। तो हेमंत सोरेन जी को हम आज आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दे देना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी जो आप बाहरी और बिहारी का नारा दे रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पे आपने झारखंड को आपके पिताजी ने शिबू सोरेन ने जो बनाया था, तो आज आप क्या कार्य कर रहे हैं। आज इनकी खुद की पत्नी घर के परिवार में इनके यहाँ विरोध हो गया। परसों का 2 दिन पहले का सीता सोरेन का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अब जेएमएम पहले जैसा नहीं बचा। तो हर सरकार अपने देखिए, अपने सोरेन राज्य जी पहले तो स्तर है नहीं व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये शुरुआत तो शिवसेना से हुई थी, जहां उन्होंने बोला था कि ये बाहरी हैं, बिहारी हैं, यूपी के हैं, इनको भगाओ मारो काटो, ये सब हुआ था, और ये वो मतलब किया देश के था। अंदर रहकर के अब ये झारखंड में शुरुआत कर रहे हैं। अरे पूरा हाँ, झारखंड ही बिहारी है, वो ये बिहार गलत से भटके ही बना है, पूरा ये गलत झारखंड ही है, बिहारी है। भयानक है, ये गलत है, तो हेमंत भयानक है। सोरेन और जी को दूसरा लोकसभा में SC ST रिजर्व सीट में अगर बराबर से वहां के अन्य आदिवासियों वगैरह को नहीं इन लोगों ने वहां पे टिकट दिया और सम्मान दिया, तो हम अपनी पार्टी से यहाँ लद्दाख से ले जाके लोगों को वहां चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा साहब, आपको नहीं लगता कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का राजनेता बाहर के किसी भी राज्य को, जो हिंदुस्तान के अंदर जो राज्य है उसको बाहरी बोलता है, उसके ऊपर यूएपीए नहीं नहीं, थोपना जब हम चाहिए? एक देश की बात करते हैं, वन नेशन की बात करते हैं, तो फिर देश में इस तरह की बात निकल के क्यों आती है कि ये बिहारी है, ये नहीं, भैया, ये यूपी का है, ये बंगाल का है, इस तरह की बात क्यों आती है, ये बंगाली है, जब ये ये बात मराठी, आती है, नहीं नहीं मराठी। उसमें क्या देशद्रोह की धारा उस नेता के ऊपर लगनी चाहिए या नहीं? यूएपीए ठुकना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना लगनी चाहिए? चाहिए, लेकिन आज राज ठाकरे के साथ क्या हुआ, राज ठाकरे ने वहां हमारे जिला का एक बच्चा बिहार का सचिन नाम का 17 साल का लड़का, उसके वायलेंस में मारा गया हमारे शहर का नालंदा का, वहां बंबई में। तो राज ठाकरे के साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बॉम्बे में कितना बिहारियों को इसने मारा, कितने यूपी वालों को मारा, क्या हुआ इसमें। तो इस तरह का और नेता हर राज्य में इस तरह से आज हो रहा है। तो हम एक देश की भी मतलब बात करें और जहां इस तरह के नेता भी, और ये नेता कौन है, ये नेता मुसलमान भी नहीं, ये नेता तो खुद हिंदू ही है, तो बिल्कुल, इसमें क्या सरकार का कानून का क्या एक्शन है। ये लोग जहां खुलेआम आज धर्म के बड़े नाम बड़े पर, रहे, जहां धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं जीता जा सकता वहां पर जाति फैलाओ, जहां जाति के नाम पर नहीं जीता जा सकता है वहां पर वहां राज्यवाद पे राज के पैदा नाम करो, पे, प्रांतवाद राज के पैदा नाम करो पे कर रहे हैं, राज के राज्यों नाम के पे कर अंदर। रहे हैं। बीच में पंजाब में भी बिहारियों पे हमला हुआ था, बीच में पंजाब में भी बिहारियों पे हमला हुआ था। तो ये देश में इस तरह की कुसंकित मानसिकता के लोगों का जो एक तरह से प्रोपगेंडा के तहत इन लोगों को प्लांट करके बढ़ाया जा रहा है, इस पे सरकार की कड़ी नजर रहनी चाहिए, एक टीम पैनल होनी चाहिए गवर्नमेंट की, इन पर एजेंसियों की प्रशासनिक, बड़ी जो इन नजर होनी लोगों चाहिए, पे मुझे लगता नजर है कि रखे। एजेंसियों को स्वतंत्र किया जाए, एजेंसियां अपने स्तर से भी इन लोगों के ऊपर कार्यवाही कर सके, जो बिल्कुल, एजेंसियां हैं लेकिन उनको और ज्यादा एजेंसियां आज पावर इनको। स्वतंत्र हैं। एजेंसियां कांग्रेस के टाइम में भी स्वतंत्र नहीं थी, आज भाजपा के टाइम में भी आप एजेंसियां को स्वतंत्र नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल लोग टारगेट करके, ईडी, आईबी, सीबीआई वगैरह टारगेट करके इन लोग लोगों पे काम करती है। ये स्वतंत्र अभी तक कहा, निहंगों ने स्वतंत्र जो है कि किया कोई है, जनता। आपने कल का आपने मैटर देखा है, ये कोई व्यक्ति गए होंगे जी जो शायद सरदार ही थे, और वो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वहां, जिस पर अभी पिछला मैटर आपने देखा था, तो वो अमृतसर जी साहिब में जी गए होंगे, श्री अमृतसर साहिब जाकर के उन्होंने अपने पत्नी के साथ में कुछ शायद चीजें कैप्चर कर ली अपनी पत्नी के साथ में, तो उसको लेकर के उस जी लड़के को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया, बोले कि हम जो इसके साथ में करने वाले वो आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए कि इस विचारधारा के लोग अभी तक काम कर रहे हैं और एजेंसियां करके आ रही, उस लड़के को उठा के लेके जा रहे हैं इसी कंट्री के अंदर, कानून कर क्या रहा है? कानून क्या सिर्फ केवल हिंदू बिल्कुल मुसलमानों के लिए बना है क्या? अगर कोई बिल्कुल सिख या फिर अन्य कम्युनिटी का अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है देश में, किसी भी लड़के को उठा करके ले जा रहा है कानून किस चीज के लिए?
कोई फोटो नहीं खींच सकता है क्या अमृतसर साहिब में जाकर के? जी जी आज नजीब नजीब को आप लोग जानते होंगे, नजीब को गायब हुए कितने साल हो गए, आज तक उसका पता नहीं चला। आज भी उसकी मां न्याय के लिए दिल्ली के कोर्ट के दरवाजे, पुलिस के दरवाजे खटखटा रही है। और वो तो किसी ना किसी जेल में होंगे, या फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को देखना चाहिए। हर चीज कौन सही है कौन गलत है उसका फैसला तो अदालतें करेंगे, वो सरकारें तो नहीं तय कर सकती ना, तो हम आप तय कर सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जो व्यक्ति गायब है उसकी जिम्मेदारी देश की पुलिस की भी बनती है, प्रशासन की, एजेंसियों की भी, कि उस गायब व्यक्ति की पूरी पड़ताल की जाए, उसको सामने लाया जाए, मौका दिया जाए उसको बात रखने का कि क्या सही था क्या गलत था। क्योंकि हमने अक्सर देखा है जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह विनोद दुआ जैसे लोगों पर लगा और बाद में उनके ऊपर अदालतों ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि भाई दोस्त देशद्रोही थे तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। तो सरकारें तो तय नहीं कर सकती ना इस चीज को, ना तो वर्ग विशेष तय कर सकते हैं, ना तो मुसलमान तय कर सकता है कि हिंदू क्या है ना, हिंदू मुसलमान के लिए ये कोई विचारधारा रख सकता है। लेकिन हाँ, कुछ गलत चीजें जो देश में चल रही हैं, वो किसी भी वर्ग विशेष से हो या जाति विशेष से हो, वो गलत है। जैसे किसी दलित को दलित कहना अगर अपराध है, तो मुझे लगता है कि किसी सवर्ण जाति को भिखारी, भिकमंगा, विदेशी और इस टाइप के शब्द कहना भी, वो भी एक, मुझे लगता है कि वो एक सवर्ण एक्ट के अंतर्गत लाए जाए। या तो फिर आपने आज के दौर में देखा होगा कि एस सी एस टी के एक्ट कितने दुरुपयोग किए जाते हैं, उनका क्या दुरुपयोग आज के दौर में हो रहा है। मान लिया 50% सही है, 50% तो झूठ है ना जो बाद में निकलते हैं, क्यों झूठ है? ऐसे कानूनों पर कड़ी जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही और कड़े कानून बनाने की जरूरत है उनके ऊपर भी, कि अगर इनका कोई दुरुपयोग करते पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना और उसकी सजा दोगुनी होनी चाहिए, जैसे लोग डरे उनके अंदर डर बैठे। इस देश में कानून जनता के सुविधा को, जनता के भलाई के लिए, जनता के सुविधा को देखते हुए बनाया गया था, लेकिन आज कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अभी जैसे डोरी एक्ट का मामला है, तो डोरी एक्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि उसको पुलिस को बगैर जांच किए हुए, बगैर इंक्वायरी किए हुए आपको केस रजिस्टर नहीं करना है। लेकिन आज भी देखते हैं थाना में हम कि बगैर जांच किए हुए आईओ केस को, डोरी एक्ट केस को रजिस्टर कर लेता है और दोनों तरफ से करप्शन करता है, पैसा खाता है। तो ये सब चीज खुलेआम है। हम एक अगर आपको बनाने जाते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एक राशन कार्ड बनाते हैं, तो आप देखिए ना निम्न स्तर पर एक छोटे से लेवल पे मतलब किस तरह से करप्शन। आज यहाँ बिहार में देख लीजिए, बोलते हैं कि दारू बंद है, दारू बंदी हुआ और उसका पूरा ब्लैक का यहाँ तो धंधा करके सब करोड़पति अरबपति बन गया है। तो करप्शन तो व्याप्त है, सरकार में ही खामी है। तो हम लोग तो अभी विपक्ष में है, तो सरकार को ही हम लोग टारगेट करके बोलेंगे। बिहार और झारखंड चुनाव जो आ रहा है 2022 की, आपकी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है, क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारी पार्टी काफी मजबूत है। इलाहाबाद वगैरह में हमारे उम्मीदवार रहेंगे, कानपुर में हमारे उम्मीदवार रहेंगे, गाजीपुर में रहेंगे, मऊ में रहेंगे, गाजियाबाद में रहेंगे, बरेली में रहेंगे, हो सकता है वहाँ बरीच बहराइच वगैरह में भी हमारे उम्मीदवार रहेंगे। इन सब जगह हमारी पार्टी के योगी जी के सामने कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं वहां पर? नहीं नहीं योगी जी के सामने ही हमारा प्रत्याशी रहेगा, टक्कर तो योगी जी से ही। अब योगी जी लड़ते हैं गोरखपुर से सीट से, उस सीट से तो हमारा प्रत्याशी नहीं है कोई, लेकिन हम लोग जहाँ भी लड़ रहे हैं मुद्दा हमारे भाजपा के खिलाफ ही है, लड़ाई हमारी। देखिए लोकतंत्र की सुंदरता और खूबसूरती यही है कि यहाँ लड़ाइयां होकर के भी नहीं है और नहीं होकर के भी लड़ाइयां हैं, तो इनमें तो ये तालमेल वैचारिक है। ये जो लड़ाई है ये वैचारिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई है, एकदम सहमत नहीं जी जी। एक पार्टी को ये लगता है, लेकिन आज के दौर में चीजें बदल गई हैं। आप देखिए कि कमाल की चीज ये हो गई है कि जब भी हम बातचीत अगर ये करें कि साहब ये आ रहे हैं तो बोले अच्छा ये आ रहे हैं, ये तो देश को पूरा जो है बर्बाद करके रख देंगे। तो ये समझ में नहीं आता है कि उनकी ये सोच कैसे रह गई है कि नहीं ये पार्टी आएगी तो ये देश को बर्बाद कर देगी, वो पार्टी आएगी तो इसको बचा लेगी। अभी हालांकि अभी देश में तालिबान का मुद्दा दिखाया गया था कुछ महीने, यहाँ गोदी मीडिया ने तालिबान का मुद्दा दिखाया था, तालिबान का इशू दिखाया था। क्या मैटर था तालिबान का, भारत से क्या कनेक्शन क्या था तालिबान का? आज तालिबान कहा, हम लोग कहा, कोई मतलब था? बिना मतलब का मतलब यहाँ किसी भी मुद्दे को निकाल के प्रवोक करना, प्रचारित करना कितना गलत है। अडानी का मीडिया के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि मुद्दे भटक जाते हैं। दूसरी चीज है अफगानिस्तान और भारत का क्या लेना देना है, ये तमाम चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री साहब खुद देखते मुझे लगता है। एक चीज देखिए ना, विदेश मंत्री तालिबान के इंडिया का डेलीगेशन, विदेश मंत्री वगैरह जाके तालिबान से समझौता करके मीटिंग करते हैं और यहाँ भारत में मीडिया तालिबान के खिलाफ न्यूज दिखाता है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब बनता है? आप
आप वहाँ एक तरफ रिश्ता भी रख रहे हैं और यहाँ मीडिया के माध्यम से आप बता रहे हैं कि हमारा तालिबान से तो बहुत कट्टर है, तो इसका मतलब आप एक समाज विशेष को, हिंदू वर्ग के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काना चाहते हैं कि मुसलमान भावनात्मक रूप से तालिबान को पसंद करता, इस तरह की बात आप इस तरह की मैसेज समाज में देना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, वहां देश दुनिया के की। कोई कोई भी संगठन आगे नहीं आया। मुझे लगता है देवबंद से लेकर के तमाम लोगों ने जो है उनकी आलोचनाएं भी की और इस पर कड़ी फटकार बिल्कुल, भी हम लगाई, भी और उनकी कई आलोचना बॉलीवुड के भी करते एक्टर हैं। सामने आए। उन्होंने कहा कि नहीं, तालिबान का जो तरीका है वो बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है उसका। कोई भी हाँ इस्लाम जो है, बिल्कुल इस्लाम में कोई बिल्कुल, कल व्यक्ति तक जो इस्लाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई आतंकवाद समर्थन नहीं बढ़ता कर जा रहा, सकता। आज वहां सरकार में आ गया है, वो तो उस देश के लिए चिंताजनक है ही है और बहुत गंभीर मामला है, लेकिन भारत क्या किया वहां पे, उसके साथ वहां पे समझौता किया और यहाँ गलत रूप से उसको रिप्रेजेंट भी किया, तो स्टैंड हमेशा साफ रहना चाहिए। अब जैसे मोदी जी नवाज शरीफ को वहां जाके बिरयानी खा लिए, उनकी अम्मा को साड़ी भेंट करके आ गए और यहाँ आके पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवा रहे हैं, तो ये दोगली नीति की बीजेपी की पॉलिसी जनता को समझना चाहिए और इसका विरोध जनता को करना चाहिए। और विपक्ष तो कांग्रेस वाले लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, सिर्फ किसान किसान चिल्ला रहे हैं, क्या मामला है समझ में नहीं आता। अरे भाई, किसान किसान सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा, किसानों के लिए आप भी तो कुछ करो। 70 साल रह गए सरकार में, आप लोगों ने क्या किया किसानों के लिए? अगर आप लोग कुछ कांग्रेस करते तो आज कांग्रेस किसान का जब बेहाल ना होता। हक साहब जब कांग्रेस कांग्रेस के राज दूसरी में तरफ दबाए किसानों ने सबसे टोकती है। ज्यादा सुसाइड किया, सुसाइड बिल्कुल का केस कांग्रेस के टाइम में किसानों ने नहीं किया, कांग्रेस के जी टाइम में भी किया, और बीजेपी का बिल्कुल तो पूछिए नहीं, इसका बोलना क्या है, यहाँ तो आदमी को जिंदा रहने के लिए ही मतलब की संघर्ष। आज जो जी सरसों का तेल हम लोग 70 रुपए किलो खरीदते थे, आज 250 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है, चीनी 50 रुपए किलो हो गया, शक्कर 50 रुपए हो गया, प्याज 80 रुपए हो गया मार्केट में, इतना महंगाई है, तेल 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है, पेट्रोल डीजल दोनों भी, तो जी महंगाई का पूछिए पेट्रोल नहीं। पेट्रोल जीएसटी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर क्या आपकी राय है? के दायरे में सब डाल ही दिए हैं, डाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, जीएसटी के इसको दायरे भी में बता पेट्रोल को देंगे। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उससे क्या राहत लोगों को मिलेगी, और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए पेट्रोल और डीजल दोनों? पहली बात तो देश से जीएसटी हटाना ही चाहिए, अगर हम लोगों को सरकार में स्थान मिलता है किसी के साथ भी गठबंधन से या नहीं, मैं कुछ पेट्रोल भी की आपसे छोटा बात मोटा, कर रहा हूं हक साहब। नहीं हटने मैं चाहिए, नहीं आपसे आना चाहिए, नहीं, नहीं जीएसटी आना तो चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और आपको अन्य आपको सारी मालूम है चीजों कि से भी जीएसटी, आपको नहीं, मालूम है जीएसटी से कि सरकार को आय हो रहा है, लेकिन इससे देश का क्या भला हो रहा है, जनता इससे लेकिन कितना नुकसान जीएसटी के दायरे जी। में, जीएसटी के दायरे में पेट्रोल का बिल आता है, डीजल का बिल आता है, लेकिन डीजल और पेट्रोल नहीं आता। आपको शायद नहीं मालूम नहीं होगा, आता लेकिन मैं आपको बता दूं जी कि पेट्रोल जिस दिन जी जीएसटी के दायरे में आ गया उस दिन ये 53 रुपीज में सिमट के रह जाएगा, 110 रुपए में है। उसका क्या कारण है? जी जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये केंद्र का एक अकेला टैक्स है लगता है, ठीक है, एक टैक्स, जी जी वन नेशन वन टैक्स की बात की जाती है। जी तो जो ये एक टैक्स रहेगा है, जो राज्यों के तमाम कर हैं वो खत्म हो जाएंगे, एक दो कर सिर्फ रहेंगे, ये लगभग 53 में और 35-40 में ये डीजल सिमट के रह जाएगा। तो जीएसटी के दायरे में जिस चीज को आना चाहिए वो चीज नहीं है, लेकिन उसके बिल जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, ये देश समझने वाली चीजें हैं। जो छोटी छोटी चीजें जो जीएसटी के दायरे में नहीं आनी चाहिए थी वो जीएसटी के दायरे में आ रही है, जिस जीएसटी डीजल जब और से आया पेट्रोल ना, और एलपीजी। जी जीएसटी जब से देश में आया है, देश का तो मतलब कि जो फाइनेंशियल ढांचा है एकदम खराब हो गया, खत्म हो गया, जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरकार था तो ट्रांसपोर्टेशन बता रही है कि हम हमारे पास खत्म इतनी हो है, गया। अरे इतनी इतनी रकम आ गई है। सरकार तो बताती है हर साल बहुत ज्यादा लोग टैक्स रकम भरते हैं और सरकार के पास आया, जनता का तो नुकसान हो गया, जनता का तो सब कर कारखाना वगैरह बंद हो गया। अब बंबई वगैरह में देखिए, सूरत वगैरह में देखिए, कितने छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे सब बंद हो गए। आज लेकिन भारत बनवाना तो क्या पूरी चाह रही है तरह से सरकार, अभी तक समझ में नहीं आया है। पहले तो रिकवरी की टैक्स से, फिर जीएसटी से, उसके बाद में निजीकरण पे चीजें उठा उठा के फिर रिकवरी स्टार्ट हो गई, नहीं, उसके उसके बाद में बावजूद अभी भी तो सरकार पे, देश पे, वर्ल्ड बैंक पे, भारत के नागरिकों पे वर्ल्ड बैंक का कर्जा दुगना हाँ, मैं तेती उसी तेरह पर आ रहा गुना था कि तेईस विश्व बढ़ता बैंक जा से रहा भी पैसा अभी उठा रहे हैं लगातार। तो क्या क्या कुछ नया बनवाना चाह रहे हैं क्या मोदी साहब? कुछ सोच रहे हो शायद कि मुसलमानों के लिए कुछ बढ़िया किया जाए देश के अंदर, है। अब बढ़िया, दलितों के लिए कुछ? क्या करेंगे, वो तो भिस्टा, पार्लियामेंट भिस्टा बना ही रहे हैं वहां दिल्ली में, इंडिया गेट जैसे जगह सौंदीकरण कर, सौंदीर का दृश्य था वहां पे, उसको खराब कर दिया इन्होंने पूरा। क्या आप पटेल साहब से बड़ी मूर्ति बनवा दें अंबेडकर जी की, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, मूर्ति की राजनीति कांग्रेसियों ने शुरू किया था, जी ये भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, और ये मूर्ति की राजनीति कहाँ जाके खत्म होती है, आज कांग्रेस की संस्थान में पहुंची है, इनका भी वही हाल होगा, तो आपका मूर्ति की मानना ये है राजनीति कि छोड़ दें। देश, आपका मानना ये है कि अगर युवा जागता है
तो देश देश प्रेम से चलेगा, देश शिक्षा से चलेगा, देश चिकित्सा से चलेगा, देश उन बेहतर चीजों को सोचने से चलेगा। हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को अपने अपने घर में रखें और हम अपने घर में इन पर कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है। किसी को किसी के जो है ग्रंथों का अपमान करने की इजाजत ना हो, किसी को किसी के धर्म धर्म के प्रति जो है कुछ बोलने की इजाजत ना हो गलत, ठीक है। और दूसरा, कुल मिला के जो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से अकाउंट है, अकाउंटों को आधार कार्ड से जोड़ दो, कोई गलत लिख ही नहीं पाएगा कोई भी, ना तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान बन पाएगा, मुसलमान हिंदू बन पाएगा, आइडेंटिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। तो ये एक तो होना चाहिए, और पुलिस के पास उसका पूरा डाटा। ये चीज ये लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये चीज हो रहा है। कांग्रेस वाले भी यही हाल कर रहे हैं और बीजेपी वाले भी यही हाल कर रहे हैं। और इन्होंने एक और किसको पनपा रखा है नया, 2014 से जब से मोदी जी आया है ओआईसी को लाया, वो भी उल्टा सीधा। अभी देखिए यूपी का चुनाव, अभी पता नहीं क्या क्या बोलेगा वो। ये सब लोगों को भड़काने का काम है, और जाहिलों को वहाँ बहराइच जो है वहाँ मुसलमानों की आबादी जो है उसमें 90% मुसलमान इल्टरेट है, 90% मुस्लिम बहराइच में, वहां जाके इसने ओआईसी ने ऑफिस खोला है और वहां जाहिल मुसलमानों को भड़काने का काम करेगा। लेकिन ये किस हद तक सही है, जहां लोग बताते हैं कि ये ओवैसी साहब तो बीजेपी के एजेंट हैं, जहां बीजेपी हारती है वहां ये घुस जाते हैं और कुछ मुस्लिम वोटों को काटते हैं और ये जितवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही काम है इसका। यूपी में आज जो योगी जी मुख्यमंत्री है तो वैसी का ही देन है ना। आज कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ही तो वैसी का ही देन है, इसने वोटों का ध्रुवीकरण तो खुलकर के बोलते हैं, वो तो पूरे हिंदुत्व के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। नहीं नहीं ये बीजेपी आरएसएस का पालतू आदमी है, किसी के खिलाफ नहीं। ये अगर दुनिया भर के इस तरीके से अनर्गल बयान जिन पर ऐसा आदमी पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए, ये तो पागल है, इसको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देना चाहिए पागलपन जो आदमी इस तरह की बात करेगा। नहीं नहीं जनता मैं आपसे पूछता हूँ, जो मिली भगत है इन लोगों की, ये लोग मिला हुआ है। जो आदमी इस तरह की बात करता है उसका दिमाग ही मतलब कि संतुलन बिगड़ गया है, जो इस तरह का बात करता है उसको तो जेल में रहना चाहिए। वो बाहर क्या कर रहा जी। उसके बाप भी जेल में थे देशद्रोह के आरोप में, ये लोग तो देशद्रोही है, इन लोगों को तो जेल में रहना चाहिए। असरुल हक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने तमाम उन मुद्दों पर भी बातचीत की जहां लोग कतराते हैं उन मुद्दों को रखने में। और हालांकि आपको यकीन होगा कि एटीवी नेटवर्क जो है किसी गोदी मीडिया या चमचा मीडिया गिरी में यकीन नहीं रखता है वो बात रखने में, कि आप अपनी बात रखें, हमारे सवाल है उनके भी आप उत्तर दें, और आपके आपके भी जो सवाल है उनको भी आप रखें जिसे दर्शक सुन सकें। क्योंकि भले ही चार आदमी ही क्यों ना उस सवाल को सुनने की इच्छा रखते हो टेलीविजन स्क्रीन से या फिर तमाम ऑनलाइन मीडिया स्क्रीन से, लेकिन वो सवाल उनको दिखना तो चाहिए कि ये देश में सवाल कहीं ना कहीं किसी कोने में किया जा रहा है इस संबंध में, और इन चीजों पर कोई ना कोई बात करने वाला है, भले ही वो 10 व्यक्ति क्यों ना देश में सुनने वाले हों। तो हर विषय पर बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। बड़ा सवाल है तो ही सवाल है, ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा भी सवाल सवाल ही होता है। और ये महत्वपूर्ण चीज है कि हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए जिससे लोग यकीन न खोएं, उनको विश्वास हो कि हमारी भी बात होगी। हम भले संख्या में कम है, जैसे जैन है, बौद्ध है, पारसी है, तमाम धर्मों के लोग हैं, उनकी भी बातचीत होनी चाहिए, उनके बारे में भी डिस्कस होनी चाहिए और उन पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम और सिख ये तीन ही कम्युनिटी पूरे देश को नहीं चला रही है, ऐसा नहीं है, बाकी की भी कम्युनिटियां हैं, उन पर भी हमें चर्चाएं करनी चाहिए उन पर भी। और हमें उम्मीद है कि जब भी हम अगली बार जुड़ेंगे तो उन चीजों पर भी आप चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी का ही नाम बहुत सुंदर है और आप उसको जो है उसमें क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी आप से चर्चा लगातार करेंगे। और तमाम सवाल है, जब डिबेट में जुड़ेंगे तो आप भी अपनी राय रखेंगे। जी 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 आज के डिबेट में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।